मैं अंदर मौजूद हूँ विकास, विकास मैं अंदर मौजूद हूँ। ये देखिए विकास, एक्शन देख लीजिए आप। अभी सिर्फ एक मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप लोग, किस बात का पूछ लेंगे? ऐसा सुनो, मैं बताऊँ कि मुझे ऊपर से ये आदेश है कि हमें ऊपर वाला सर बताए, सुन लो हमारी सुन लो, ऊपर से ये आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना जाने। क्या वजह है सर, ऐसा क्या छुप रहा है अंदर, बताइए तो सही। अभी आप नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते? एक मिनट, क्या हुआ, कोरोना हो जाएगा? बताइए, कल तक तो आप कह रहे थे कोरोना हो जाएगा, बताइए ना क्या हो जाएगा? अभी रुक जाओ, बताइए, बता रहा हूँ। फोन मिला रहे हैं सर, कितना ऊपर वालों से डरते हैं, इंसाफ की बात तो कीजिए। आपने वर्दी इसलिए पहनी है, इंसाफ तो दिलाइए उस पीड़ित को। अरे उसकी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं सर, काहे का डर है, किस चीज का डर? मैं रुको, बता रहा हूं। किसका डर हो रहा है? आप किसको मिला रहे हैं आप लोग, फोन बताइए क्या हुआ, किसको फोन मिला, किसको फोन मिला रहे, बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, रुको एक मिनट, मैं बता रहा। बात का डर है सर, कोरोना हो जाएगा। किसका? आप कह रहे हैं ना कोरोना के कारण मीडिया को रोका गया। SIT तो गई सर, SIT को जो करना था करके गई, DM साहब भी कल जो करना था करके गए, तो आप तो मीडिया को जाने दीजिए। एक मिनट, हम ऊपर जाकर बता दें, फिर आपको बता दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। क्यों, क्या हो गया? बढ़ने दीजिए सर, आप साथ चल लीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ विक्टिम के परिवार वालों को बहला फुसला लूंगी, इसी बात का डर आप लोग को, आप साथ चल लीजिए। आइए, ABP न्यूज पहुंच चुका है मौके पर। आपको बता दें विकास, यहां से करीब एक मिनट की दूरी पर, वो देखिए सामने मनोज, वो देखिए, वो जो पूरा आपको छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा इलाका, वहीं है पीड़ित का घर, बस इतनी ही दूरी है। लेकिन ये देखिए पुलिस वाले कैसे साथ साथ चल रहे हैं, डर देखिए, किस बात का डर है, किस बात का डर है? सर आप किसको फोन मिला रहे हैं मुझे इतना बताइए। बता रहा हूं, अभी आपको सब DM साहब को, एक मिनट रुकिए, मैं DM साहब सब बता रहा हूं। किसको फोन मिला? मैं परेशान नहीं हूं, परेशान आप पीड़ित परिवार को कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को परेशान कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, बोलिए सर, क्या नाम है आपका सर? सुशील कुमार जी, बताइए क्यों, क्यों डर लग रहा है, किस बात लग रहा है, रुक जा, किस बात का डर, बता रहा हूं, एक मिनट, आप किसको फोन मिला रहे हैं? DM साहब को, DM साहब को मिला रहे हैं, DM साहब को, SSP साहब को, किसको मिला रहे हैं फोन, किसको फोन मिला रहे? आइए चलिए, आइए आप साथ चलिए, आइए साथ चलिए, नहीं रुक नहीं रहे, चलिए ना चलिए। अब क्या करेंगे, हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है, क्या हो रहा है ये देखिए, क्या नहीं जाने देंगे उस पार, क्या हुआ? आप साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं, चल लीजिए, पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा, चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ, आप लोग हाथापाई करेंगे, अब चलिए ना अंदर, चलिए ये देखिए मनोज दिखाइए ये क्या हो रहा है, जाने दीजिए ना। अरे अहिंसा, अहिंसा की बात करनी चाहिए, आज हमको मना किया गया, यहाँ से कोई नहीं जाएगा अंदर तो। अरे आज आज गांधी जयंती है, अहिंसा का दिन है, जाने दीजिए। मैं भी हिंसा नहीं कर रही आप, तो ये क्या, ये हिंसा नहीं है, मैं कह रही हूँ नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए, चलिए आइए 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 आइए, चलिए चलिए चलते हैं। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का ये हाल नहीं होता। क्या कर रही है आप लोग, हाथ क्यों लगा रही है, हाथ क्यों लगा रही है, क्यों नहीं जाने दे रही अंदर, क्या हो गया ऐसा, क्या छुपा रहे हैं आप लोग, बताइए, हाथापाई करेंगी, क्या कर रही हैं आप, ऑर्डर का आपके पास? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी, तो हमें हमारी ड्यूटी करने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोक रहे हैं हमें हमारी ड्यूटी करने से? मैडम क्या कर रही हैं आप, बार बार माइक के साथ आ रही हैं आप, बार बार आपको नहीं बोलना है, मूक दर्शक बने रहिए जैसे आप पूरे मामले में बने रही है, माइक नहीं हटाएंगे आप। वो पैदल चलकर उस गांव तक पहुंचे, पीड़िता के परिवार तक पहुंचे, और जो हमारे साथ हुआ है उसे बयां नहीं किया जा सकता। ये है मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी, जिनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, पुलिस की गाड़ी में हमें बिठा लिया गया, ये महिला सिपाही आप देख रहे हैं, इन्होंने जोर जबरदस्ती से हमें भी इस गाड़ी में ठेल लिया है। और ये देखिए बेशरम चेहरे, वो जो यूपी की बेटी को तो नहीं बचा सके, ना उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ कर पाए, लेकिन पत्रकारों के साथ जोर जबरदस्ती और बदतमीजी करने से बात नहीं आ रही है। सीधे प्रतिमा मिश्रा उस पुलिस की गाड़ी में उनको जबरन ठेल कर बिठाया गया, उनको अब अनजान जगह पर ले जाया जा रहा है, लगातार मांग करने के बावजूद प्रतिमा मिश्रा, पुलिस की यह हाल है, ये देखिए ये रास्ता है, ये मेन रास्ता है जहां से हम आए थे, तो कहा गया चोर रास्ते से मीडिया अंदर घुसाई, ABP न्यूज ने कोई चोर रास्ता नहीं लिया, और अगर ये चोर रास्ता है तो इस पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चल रही है, और गाड़ी से पूरे काफिले के साथ हमें छोड़ा गया है, 20 सिपाही हमें साथ लेकर बाहर निकले हैं, पहले तो कोरोना कोरोना कहकर अंदर नहीं जाने दिया गया, और जब अंदर घुस गए तो सारे नियम ताक पर रखकर हमें यहाँ से धकेला गया, जबरदस्ती की गई, मनोज अधिकारी के कैमरा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उनकी लाइव फीड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ABP न्यूज पर एक्सक्लूसिव, जहां यूपी पुलिस के ये सिपाही देखिए कितनी शान से हमें उसी चोर रास्ते से बाहर लेकर जा रहे हैं, जहां से ABP न्यूज आया तो कह दिया गया ये चोर रास्ता, ये देखिए हालात यहां के, ये महिला सिपाही पहले गाड़ी में मौजूद नहीं थी, आधे रास्ते तक आने के बाद जब ABP न्यूज ने कहा महिला पत्रकार को
पुलिस जो सिपाही है उन्होंने बिठाया गाड़ी में, धकेला है, तो ये बैठ गई आधे रास्ते आकर चेहरा दिखाने के लिए ताकि सवाल का जवाब देते बन पाए इनसे। ये देखिए हालात यहाँ के,